आज देहरादून में भाजपा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने नए दायित्व संभालने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। दरअसल प्रदेश कार्यालय का ये आयोजन भाजपा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दायित्व संभालने पर पार्टी की ओर से जश्न मनाने का आयोजन था, परंतु उत्तराखंड प्रदेश के चंपावत के जवान राहुल की शहादत के बाद पार्टी के पूर्व से प्रायोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपने शहीद राहुल के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। वहीं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यालय में बैठे सैकड़ों समर्थकों को अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए कड़े शब्दों में कार्यकर्ताओं को 2 टूक शब्दों में अपना रुख साफ करते हुए बताया कि पार्टी के अंदर या बाहर किसी भी कार्यकर्ता की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर कुछ और। अध्यक्ष भगत ने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भी पार्टी पहले से भी बेहतर प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी, जिसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। बेशक पार्टी के अंदर मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब पार्टी व संगठन का अपने 6 बार के जीते हुए विधायक को प्रदेश की कमान सौंपना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है या फिर घातक, ये तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे से ही पता लगेगा। भाजपा संगठन का ये फैसला धरातल पर कितना सच साबित हो पाता है, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन बंशीधर भगत के तल्ख तेवर देखकर ये तो साफ लग रहा था कि पार्टी में सिफारिश करने वालों को तवज्जो देने की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे भगवान हैं। कार्यकर्ता भाई बहनों का स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं भी कार्यकर्ता हूं। अध्यक्ष तो एक व्यवस्था है, उस समय के लिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया। पहले हमसे पूर्व माननीय अजय भट्ट जी अध्यक्ष थे, अब मैं हो गया हूं, मेरे बाद कोई और होगा, ये एक व्यवस्था का अंग है। लेकिन मूल रूप से मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का प्रयास करूंगा। जितने कार्यकर्ता भाई बहन है उनको साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा और हरेक की बात सुनने का प्रयास करूं। उसके बाद भी अगर कोई आदमी, कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार से कोई ऐसे काम करता है जो दल विरोधी है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मेरे रहते फिर उसकी वापसी पार्टी में होना बड़ा मुश्किल। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।